तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तवा एग फ्राई की रेसिपी। इसके लिए हमने अंडों को उबाल कर छील लिया है। अब इस तरीके से हम अंडों को काट लेंगे। इसी तरीके से हम सारे अंडे काट लेते हैं। तो दोस्तों बहुत आसान रेसिपी है और जल्दी बनके तैयार हो जाती है। तो हमने सारे अंडों को काट लिया है। चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए हमने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून बटर। अब बटर को हम पूरे पैन पर अच्छे से फैला लेते हैं और अब हमने जो अंडे काट के रखे हैं एक एक करके हम अंडों को इस पर डाल देंगे और इनको एक तरफ से सिकने देंगे। तो इनको एक तरफ से सिकने में 1 से 1.5 मिनट का समय लगेगा। फ्लेम को यहाँ पर मीडियम कर देंगे। अब इनको हल्का सा इस तरीके से दबाते जाएंगे ताकि ये अच्छे से सिक जाएं। तो सिकते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। अब इनको पलट देते हैं तो आप देख सकते हैं एक तरफ से कितने अच्छे से सिके हैं और इनको इसी तरीके से हम दूसरी तरफ से भी सिकने देंगे। साथ ही अब हम इनके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात, हमने यहाँ पे बटर का इस्तेमाल किया है तो नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो अंडे दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इनको प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सारे अंडे निकाल लेते हैं। तो हमने सारे अंडों को निकाल लिया है। अब हम इनके लिए मसाला तैयार कर लेंगे। तो जिस पैन में हमने अंडे फ्राई किए थे उसी पैन में हम थोड़ा सा बटर डालेंगे और अब इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। साथ ही यहाँ पे 1 हरी मिर्च को भी हमने बारीक काट के लिए इसको डाल देंगे। अब प्याज को हम 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे ताकि प्याज हल्की सॉफ्ट हो जाए। इसी के साथ हम इसमें डाल देते हैं 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। खाते हैं तो ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो हमने प्याज को 1 से 1.5 मिनट तक भून लिया है। प्याज हल्की सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच गरम मसाला। साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इनको भी अच्छे से भून लेते हैं ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। तो मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम इस मसाले को अंडों के ऊपर डाल देते हैं। आप इन्हें ब्रेकफास्ट या फिर इवनिंग स्नैक्स के रूप में बना सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी तवा एग फ्राई बनके तैयार है। आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।